Yes. यहाँ पे ऑटो का व्यवस्था हो सकता है क्या? मैडम, मैंने पेपर में पढ़ा है कि आज किसी बात को लेकर हड़ताल है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? परेशान मत होइए। वैसे कहाँ जाएंगे आप? यहाँ सामने गांव में एक गेस्ट हाउस है, मुझे वहीं तक जाना है। रिसर्च कर रही हूँ, थीसिस लिख रही हूँ। मैं भी इसी गाँव का रहने वाला हूँ, कई साल बाद आया हूँ। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ रुकिए, मैं फोन करके घर से गाड़ी मंगवा देता हूँ। ओके, ठीक है। तंबाकू दिया जरा। अरे अमर, तू कब आईला? कहाँ फोन करता रहा? नइखा पहचानत का हमके? अरे यार, हम सूरज हरिया काका का लड़का। सूरज, तू हमका पहचान लिए? अरे दोस्त दोस्त के ना पहचाने तो केका पहचाने यार। अरे यार, ये बतावा, आज गाड़ी वाड़ी काहे बंद है? जनते बाड़ा की आजकल शहर कनक देहात में बहुत। पर हम घरे कैसे जाब? अरे हम काहे खातिर बानी दोस्त, हम बानी हमारा गाड़ी बा। चला ठीक है, चला। अरे बहुत अच्छा हो गया भाई, के अपने गांव में लाओ। और गांव का क्या हाल है? अरे यार सब ठीक है। ओ लगातार चल गई। चला, अच्छा शाम के मिली थे, ठीक है, चला। ठीक है। नमस्ते भैया। और रामू? प्रणाम बाबू जी। अरे जियत रहा बेटा, जियत रहा। अरे हमार बेटवा कितना दुबरा गई बहू। अरे बाबू जी, गाँव की तरह थोड़ी ना शहर में रोटी मिलेला, वहाँ तो पिज्जा और बर्गर मिलेला। तो एगो काम करा, फ्रेश होके और रोटी दही खा ला जा। ठीक है बाबू जी। व्यवस्था हो सकता है क्या? ओह माय गॉड, अब क्या होगा?
यहाँ सामने गांव में एक गेस्ट हाउस है, मुझे वहीं तक जाना है। रिसर्च कर रही हूँ, थीसिस लिख रही हूँ। यहाँ सामने गांव में एक गेस्ट हाउस है, मुझे वहीं तक जाना है। अरे भाई, तुम तीनों तो मिल गए, और चौथा कहाँ है? ओ सरी बाबू, हम यहाँ। तू नहीं सुधरेगा, लठमार का लठमार ही रहेगा। अरे आजा 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 आजा। चल चलते हैं। और लखन, तेरा हुआ का लगन? लगन तो भैया हमारा सो हो गए रहे। कहा ना भैया, लड़की के मतारी बाप के हम पसंद आ गए। अच्छा अच्छा, एकदम एंड मौके पे लड़की हमें ना पसंद कर दे ले रहे। ए अमर भैया, हम सब जाने के दराज रूम जान ले ले। अतनी अपन हो बारे में बताई कि सहरिया में जाके कार का गुण खिलौले बानी। भाई शहर की लड़कियों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे दादा, अरे दादा, तो कहवा की लड़कियों में इंटरेस्ट हा? लड़की ऐसा हो शहर की तरह फर्स्ट क्लास और गांव की तरह मिठास। तो गांव में किसी को देखे है क्या? हाँ यार, कल एक लड़की बस स्टॉप पर मिली थी। हाय दैया। अच्छा, यही लिए बस स्टॉप पर पलट पलट के देखत रहे? अमर भैया, अमर भैया, ओकर नाम पता मालूम है तुके? अरे यार, यही तो पूछेगा, भूल गए तो रंग रूप ही बता दे, गाय के लिए आए थे सारी का। अरे यार, कोई जबरदस्ती से नहीं, ओके, हम प्यार से हासिल करे चाहिए। अबे एक बार हासिल तो कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। तू नहीं सुधरेगा, लठमार का लठमार ही रहेगा। आओ बेटा, आवा बेटा। अमर, शहर वाली जमीन देखावा और वहां से शाम के लौटत वक्त हमार दवाई लेते ही आ। जी बाबा, जाई थे। लगत का ताजू में आपकी भाषा भी चेंज है। अरे बाबूजी, यहाँ तुम हर साल आईले और ये दो चार महीना रुक के चल जाइले, इतना दिनों में तो गुंगा भी यहाँ के भाषा बोले लगे। सो स्वीट बाबूजी, लागत है कि आप इस गांव के मिठास से अछूते हैं, अपने गांव की भाषा बोला। माफी चाहते, पर आप इतनी रात के यहाँ कैसन? जैसन आप वैसन हम। दरअसल पास में हमरे सहेली के घर है, हम वहीं से मिल के आवत बानी। कभी गेस्ट हाउस में नहीं मिली। का हुआ जी? नहीं नहीं,
बातें बातें मत हम पूछे का बोल गए, कहाँ जाए क्या है, का हम छोड़ सकते हैं? नहीं, पेट्रोल बचावा और कभी पगडंडी से भी आओ। अरे वो तीनों कहाँ हैं? अरे कहीं नहीं यार, रात को नौटंकी देखना है इसलिए साले लोग सो रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तू रात को नौटंकी देखने आ रहा है ना? नहीं यार, हमें घर में कुछ काम है, तो कहा तो मालूम है ना। हाँ मैं तो जानता हूँ, चल ठीक है मैं सब संभाल लूँगा। ठीक हो चला। अरे आज बिजली रानी का प्रोग्राम हो गए, हम सब जानी देखे के चल के।
क्या कर रहे? हम थोड़े न कहे हैं। कि हम चल गए नहीं। हम यहाँ कैसे? ठीक तो बड़ा ना सरसों ले ला। इले सरसों। घर के चारों तरफ छीप दिया जाके। इधर कल्याण हुई, इधर रक्षा हुई, फिर चुड़ैल एकरा पास कब होना आई? जा, जाई। चल सुन ला, चल चल, चल घर चल। कहाँ
कल्याण अरे क्या हुआ, ना दौड़ का ही रह गए, और ये पसीना। ओ हम अपने सहेली घर से आवत रही है ना, तो हमके रास्ते में हमके डर लागे लागल हा, इसलिए हम वहाँ से दौड़ लगा दी हैं। अरे हम है ना, तो है डरे के कोनो बात नहीं। आप इतनी देर से हमारे इंतजार करत रहे हैं? नहीं, हम तो तुम्हारे एक झलक देखे खातिर रुका रहे। तो देख ही? हाँ देख तो लिए, पर अभी तक दिल की तसल्ली नहीं भाई। आपके बिना तो हम हूँ ना रह सकत है, यही लिए तो हम आपके लिए आधी रात की दौड़त चले आए। अब हम जाएं? घंटन इंतजार के बाद बस चंद मिनट की मुलाकात, कल मिले के हा, यही लिए आज जाए जरूरी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, राम राम। अरे यार बिरजू, ये तीनों का कर रहे हैं? अरे ये लोग सरसों छिट रहे हैं यार। का है? कल रात को सुंदर का भूत पकड़ लिस रहा, और ये ऐसे हालत करात रहा जो ऐसे पहले कभी नहीं देखे रहे। सार रात भर के फील्डिंग लगा दी यार। मतलब? मतलब ये कि सन 55 से लेकर 2010 तक के सारे गाने सुना डाली यार। अच्छा तो कल रात तो हार अंताक्षरी में बीती। अबे मेरी छोड़, अपनी सुना, तेरी कैसी बीती? वो कल हमार जिंदगी की सुहानी रात रही, जी करत रहा कि अब सवेर कभी ना हो। अरे तुम लोग कब आ गए? अरे जब तुम नहीं रहे ना तब भी हम लोग आ गए। आप समझे कि तू हम लोगन से इतना दूर दूर कहे रहा था? अरे यार तुम लोगन से हम दूर कैसे जा सके थे? अच्छा जैसे अबे तू रहला। चल बेटा, आखिर हम भी देखना चाहेंगे कि वो लड़की कौन है जो हमसे हमारे दोस्त छीन ली। जरा मामला जम जाए द, जरूर मिलाई एक दिन। अच्छा जकरन ख्यालन में इतना डूब गए हो, उसे अभी तक मामला नहीं जमा? अच्छा अब हम चली थे, शाम के मिलब, ठीक हो? चलो चलो बेगर दम होई हमरे प्यार माँ।
अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे पता नहीं कोनो चिड़ल निकला हुई। चलो देखल जाए। चलो वहीं जाते हैं। चलो है बिरजू बेटा, ऐसा मत छू बेटा। अरे मसाल नहीं ले बेटा।
यार पागल था। चलो अमर 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 अमर। अरे का हो गया यार इतना सवेरे सवेरे आ गए। अरे रघुनाथ का क्या हत्या हो गई? क्या चला चल जल्दी चल। काका ये कैसे हो गया? बिटवा घर वाले समझे रात को मैदान करने गए हैं इसीलिए घर वाले सो गए। गांव वाले सुबह मैदान होके गए तो देखे तो इनके लाश पड़ी है। लेकिन ये छाती से खून कैसे आवत है? लगा था कौनो जानवर मारी से। अमर बेटवा जानवर नहीं इनकर कलेजा कौनो चुड़ैल खैला से। हो ही सकता है इनकर किसी से दुश्मनी रही हो। ना बेटवा इनकर कोई से दुश्मनी ना रहा। अरे बेटवा इनकर बेटा शहर में नौकरी करत रहलन बाद में यो शहर चली गईलन। बेटवा के मर्जी से ओकर शादी कर देलन लेकिन कुछ दिन बाद ओकर मेहरारू मर गई फिर ओकर दोसर शादी कर देलन और पूरा परिवार लेकर गांव वापस आ गईलन। और हाँ बेटवा वो दिन वो लड़की वो चुड़ैल देख रहे वो ओकर पतोहो रही और ई ओकर बड़का बेटवा। ओ ई बात हो। आज दोपहर इनकर क्रियाकर्म करे के बा समझ गए पंचे और सबके होशियार रहे के जरूरत बा। देर रात तक घूमल फिरल बंद कर दे के बा समझ गए ना। आज आवे में इतना देर कैसे हो गई? अब का बताई आज सवेरे अपने रघुनाथ काका की हत्या हो गई। यही से गांव में पंचायत बैठी रही। क्यों कहते भूत मारी से क्यों कहते चुड़ैल मारी से। हमार तो मानना है कोनो दुश्मन मौका के फायदा उठाई से या तो कोनो जानवर हमला करी से। आप भूत प्रेत में विश्वास करेला? हमें तो सिर्फ मोहब्बत पर विश्वास हो जो दिखाई और सुनाई दोनों देते। काहे करते हो हमसे इतना प्यार? यही बात हम आपसे पूछी तो। हमें तो हमारे दिल ने हमें मजबूर कर दिया और हमें आपकी चाहत ने। लागत है बहुत देर हो गई अब हमें जाए के चाहिए। देखा चांद भी धीरे धीरे अपने घर को जाता है। आपकी इजाजत हो तो हम चांद के रोक दे। चांद के रोके से कुछ नहीं हुई हम नहीं रुके वाले हैं। अरे इतनी जल्दी भी कहा है अबे तो हम जी भर के देखे भी नहीं। हम तो आपके दिन की रोशनी में देखे चाहिए थे। तो फिर कल मिलत है? कल कहाँ? कविता के घर। कविता के घर ठीक है। हम हो को सुनावत है यूं खिली खिली यूं खिली खिली यूं सवर सवर ए जाने जिगर तू चली कहां। सौंदर्य साबुन निर्मा। अरे का हो रहा है भाई? तनिक सेरो सारी चलत रहा। एक हमऊ सुना दे। सुना। प्यार उम्र और हद का गुलाम नहीं है। प्यार उम्र और हद का गुलाम नहीं है वो इंसान क्या जिसके जुबा पे प्यार का नाम नहीं है। ए मेरे दोस्तों प्यार करके देखो प्यार करना कोई बुरा काम नहीं है। वाह 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 क्या बढ़िया बोला थुआ। वाह कभी प्यार हो गवा ए दोस्तों हम कभी प्यार हो गवा
दोस्तों हम कभी प्यार हो गवा अपना बेड़ा पार हो गवा दोस्तों हम कभी प्यार हो गवा अपना बेड़ा पार हो गवा पहले था काम का बेकार हो गवा पहले था काम का बेकार हो गवा कभी प्यार हो गवा अपना बेड़ा पार हो गवा भाभी से मुलाकात करी झूठी मूठी ना जाने कितने वादे उसके साथ करी ओ मरी जो इस पागल पे थोड़ा भी विश्वास करी कुछ दिन पहले दीदार हुई गवा है कुछ दिन पहले दीदार हुई गवा कुछ दिन पहले दीदार हुई गवा अपना बेड़ा पार हुई गवा दोस्तों हम कभी प्यार हुई गवा अपना बेड़ा पार हुई गवा पहले था काम का बेकार हुई गवा कहता है इसको प्यार हुई गवा अब न भूख लगे है इसको ना ही इसको प्यास लगे उसके बिना इसका तो दिल हर पल ही उदास लगे ओ दिल में बसी तस्वीर यार की रात भर इसकी आंख जगे हमका तो ये मिली और प्यार हुई गवा हाँ नजर मिली और प्यार हुई गवा नजर मिली और प्यार हुई गवा अपना बेड़ा पार हुई गवा दोस्तों हम कभी प्यार हुई गवा अपना बेड़ा पार हुई गवा पहले था काम का बेकार हुई उसके बिना तोहरी जिंदगी लागत अब तो अधूरी है लगे पूरी है आ जा तू से मिल के आ जा हमने दी मंजूरी है मरने के लिए पागलपन भी तुहका बहुत जरूरी है मिलते ही दिल गुलजार हो गवा हाँ मिलते ही दिल गुलजार हो गवा
मिलते ही दिल गुलजार हो गवा, अपना बेड़ा पार हो गवा। पहले था काम का बेकार हो गवा, पहले था काम का बेकार हो गवा, कहता है इसको प्यार हो गवा। दोस्तों हम कभी प्यार हो गवा, अपना बेड़ा पार हो गवा। दोस्तों हम कभी प्यार हो गवा, अपना बेड़ा पार हो गवा, अपना बेड़ा पार हो गवा। अमर, क्या बात है, तू उसके प्यार में पागल है? हाँ यार, हम तो उसे बहुत प्यार करी थे। अरे कभी हमोनियो से प्यार कैला? हम तो तुम लोगन से बहुत प्यार करते, तुम लोग तो हमरे नाव के खेवैया आया, अभी नाव के पार लगाओ। अबे इसको जंग में हर पैतरा जाए जाए। देख, हम लोग एक तांत्रिक को जानते हैं। तांत्रिक? तांत्रिक? तांत्रिक अंतरिक बाद हम तो ना जा पाया। जब तू ना जाइबा तो हम होनी ना जाइब। ठीक है अमर, मैं तुझे लेके चलूंगा। ठीक हो भैया, चलो। बैठा बिटवा बैठा। आव बिटवा आव, बहुत परेशान लागत है, दिल का मामला है। प्रणाम बाबा। प्रणाम। बोला बिटवा बोला। बाबा ये मेरा दोस्त अमर है। इसको एक लड़की से प्यार हो गया है और ये चाहता है कि वो लड़की इसके पास आ जाए। ओ, अच्छा, तू लड़की के अपना वश में करे की चाहता? जी बाबा। हो जाई बिटवा हो जाई। हमारी एक बात मानबा? माना बाबा। सुन ला बिटवा, जब भी तोहके मौका मिले लड़की के बाल काट लिया। अइला बहुत ई बहुत औ लड़की के बाल दोनों हड्डी में बंद करके जमीन में दफन कर दिया, यार ने कैद हो जाई। हाँ, कैद हो जाई। तहार कल्याण होई, कल्याण होई, परम कल्याण होई। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। सुन बिरजू, ई भभूति तू अपने पास रखा, मौका मिली तम बाल काट लिया। और ई भभूति और बाल दोनों का तो गाड़ दिया जाए। ठीक हो? ठीक। अच्छा, अब हम चली थे, काल शाम के मिली थे। ठीक है, चला। जी जी, वो पूनम यहीं रहती है? हाँ, वो यहीं रहती है। वो बेड पे लेटी है और उनकी तबीयत खराब है। ठीक है पूनम, मैं जा रही हूँ। बाय। जब भी तोहके वो काली ने लड़की के बाल काट लिया।
अरे का हुआ? शरीर तो एकदम गरम हो। डॉक्टर के बुलाए पड़ी का? ओहो, सुना का हो गया? सुना ना, ए ए यार तो देखा। अरे हैरो देखा तनी, ये मलेरिया नहीं, इतना लवेरिया के फीवर हो। आज बहुत सुंदर लगत हो। का भा नाराज हो गई का? तो अभी फुर्सत मिलल है आपके, हम सुबह से इंतजार कर रहे थे आपके। और हम कल से? अच्छा छोड़ा ना। अरे हम छोड़े खातिर थोड़ी ना आए हैं। कुछ होने वाला है कहीं सन्नाटे में वीराने में, हर आंखों में है खौफ भरा, दिल धड़के है अनजाने में। दर्शन, 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 दर्शन। कुछ हो ले बाल डालू? डाल 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 डाल। हाँ ये बहुत ही। चल यार जल्दी कर, जल्दी जल्दी। बस काम चल, जल्दी मिट्टी डाल, जल्दी कर, चल 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 चल। कल सुबह मिलेंगे। ठीक है चल चल। घबराई हो? कल आप अपना पर्स भूल गए थे तो मैं पर्स देने के लिए आई हूँ। अंदर आइए। नहीं नहीं, कम से कम घर तो देख लो। आओ आपको पापा जी से मिला देता हूँ। पापा जी ये है हमारी फ्रेंड पूनम, शहर से आई है। प्रणाम अंकल जी। जियत रहा बिटिया, जियत रहा। बैठा। पिछले 2 महीने से ये यही गेस्ट हाउस में रह रही है। बिटिया गेस्ट हाउस में रहती हो? वो तो बहुत खराब जगह है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हत्या भी हुई है। जी अंकल जी, मैं खुद दूसरी जगह की तलाश में हूँ। जैसे ही मिल जाएगा मैं शिफ्ट कर लूंगी। बेटा अमर, तुमने मैं बताया नहीं, बेचारी पिछले 2 महीने से इस गेस्ट हाउस में रह रही है। बिटिया एक काम करो जी, तुम अपना सामान मंगा लो जी, और आज से तुम यही रहोगी। तू इनका ख्याल रखना, कोनो बात के तकलीफ ना होगे की चाहिए। जी बाबा। हम मुखिया जी कहे जाते हैं, लौटे में देर हो जाए। रामू के भेजा, वो सामान लाए में तुम्हारा मदद करी। ठीक है बाबा।
अब तो पापा जी ने भी हरी झंडी दिखा दिए हैं, अब हमसे और इंतजार ना हो सके। इंतजार तो करके पड़ी। नहीं नहीं तुहार अब ना सुनब, तुहार सामान लेवे हम खुद चल रहे हैं। हमें सामान पैक करने में टाइम लगी, सारा सामान बिखरा पड़ा है। शाम को तो मैं आ रही हूँ ना, अब मैं जाऊँ? अरे हम है ना, छोड़ दे, सेवक के हो तो महारानी काहे तकलीफ करे। नहीं, जैसे हम आए रहे वैसे ही चले जाए। मैडम हमारे घर में परंपरा रही है, केहू मेहमान आवे तो का घर तक तो नहीं, कुछ दूर तक तो जरूर छोड़ सके थे। ठीक है, पर कुछ दूर तक। किसी एक की गलती की सजा कितनों को है मिलने वाली, बदले की आग में धसने को ये रात बनी नागन काली। तू यहाँ बैठा है, कमाल हो गया। क्या हो यार, 24 घंटे के अंदर तू हमारे घर आ गई। क्या बात कर रहा है? और सुन, पापा जी ने तो कहा रहे खातिर घर में बोल दिए हैं, आज शाम को अपना सामान लेके वो आ रही है। अरे जियो मेरे यार, तेरी मेहनत रंग लाई। नहीं मेरे दोस्त, तेरी मेहनत रंग लाई। बिटिया यहाँ आवे में कोनो तकलीफ तो ना फैलना? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई। आज बहुत दिन बाद लगा था पूरा परिवार खाना खा रहा। थैंक यू अंकल, आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य समझा। अमर बेटा इनका के इनकर कमरा दिखा दो। जी पापा। ठीक बा, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। कबो कबो हम के गुड नाइट बोल दिया करा। पहले हमार कमरा दिखावा। ठीक हो, चला। ये रहा अपना के रूम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दूध सामने टेबल पे रखा है, ध्यान से पी लीजिएगा। जी धन्यवाद। क्या है? पीने का पानी अंदर रख दिया है, ध्यान से पी लीजिएगा। शुक्रिया। कर रहे हो? रात को दरवाजा खुला रखना, मैं आऊंगा। ठीकगा, जाओ जाकर सो जाओ। भैया हम सो जाएं। तू यहाँ का करते हैं? चला जा, सो जा, चल। दीवार है हम दोनों के बीच में गोरी ये कैसन दीवार है। आज तबीयत भारी बस जना, आज रविवार है। आज तबीयत भारी बस जना, आज रविवार है। हम दोनों के बीच में गोरी ये कैसन दीवार है। हम दोनों के बीच में गोरी ये कैसन दीवार है। आज तबीयत भारी बस जना,
करीब तनिकावा। अच्छा, सो गवा है सारा आलम, तुम हो थोड़ा सो जावा। हाँ, फिर न मिली ऐसा मौका, अव करीब तनिकावा। करी तुम तब बतावा। कही दिहन तबियत भारी है, हम का ना ही सतावा। आज अलग अलग हम सोए, हमरा यही विचार है। आज अलग अलग हम सोए, हमरा यही विचार है। आज तबियत भारी बस सजना, आज रविवार है। आज तबियत जा रही हो तू गोरी, देख के हुकारत है। छू के देखा हमका गोरी, हमका प्यार का हरारत है। ओ हो, कहाँ को जा रही हो तू गोरी, देख के हुकारत है। छू के देखा हमका गोरी, हमका प्यार का हरारत है। सन संग दिल मत बन के हो, प्यार में तोहरे कराहत है। चलना टंकी बंद कर हमका, मालूम है तू बीमार है। चलना टंकी बंद कर हमका, मालूम है तू बीमार है। आज तबीयत भारी बसजना, आज रविवार है। आज तबीयत भारी बसजना, आज हम दोनों के बीच में गोरी ई कैसन दीवार है। हम दोनों के बीच में गोरी ई कैसन दीवार है। ना ना, आज तबीयत भारी बसजना, आज रविवार है। आज तबीयत भारी बसजना, आज रविवार है। हमरे भैया चौधरी साहब कहाँ हैं? अंदर हैं, क्या काम है? चौधरी साहब बोलो जनार्दन, क्या बात है? बनगढ़ पे एक लाश मिली है। अब तू चला, हम आ रहे हैं। ठीक है। हमर बेटा जल्द से गाड़ी निकाला। जी बाबा। चलो ऑटो ऑटो। हटिए हटिए। ये खून कैसे हुआ? क्या इसकी खबर किसी को नहीं? पंद्रह दिन के अंदर दो दो हत्याएं। 15 दिन पहले इसका बाप मारा था और ठीक 15 दिन बाद बेटी की हत्या। मुझे तो लगता है जरूर किसी की साजिश है, लेकिन असली कातिल कौन है? चौधरी जी, आपको तो जरूर पता होगा गांव में जो हत्याएं हो रही है, क्या लगता है आपको? अब ये कुछ नहीं के समझ में आवा।
एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि कातिल कौन है, गांव का है या बाहर का। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये एक टूरिस्ट है, पिछले कई साल से यहाँ आता है और अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके फिर चला जाता है, लेकिन इस बार ये 3-4 दिन तक ठीक रहा। उसके बाद सवेरे सवेरे ये पागल जैसी हरकत करने लगा, तब से लेकर आज तक ये ऐसी है। चलो। यकीन नहीं करोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे, यकीन नहीं करोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे। घबराओ मत जी। हौलदार, एक काम करो, लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलो। तुम लोगन के बहुत ध्यान देवे के पड़ी, वो इंस्पेक्टर तुम लोगन पर शक करता। चलो बेटवा, चला चला जा, और तू लोग भी जा जा। चला। हाँ यार, वो इंस्पेक्टर बहुत घूर घूर के निहारत रहा। हाँ, वो जरूर हम लोग के बारे में छानबीन करता होगा। हाय, पर कहे? पूछ के बताओ। ए ताड़ी वाले। जी हजूर। कब से रहते हो यहाँ? 10 साल से। वो सूरज, लखन, बिरजू, सुंदर, इन सब लौंडों को जानते हो तुम? हाँ साहब, बिरजू, सूरज, सुंदर, लखन सबके जानी का। कैसे लोग हैं? अरे साहब, बहुत घटिया आदमी, ताड़ी पी के पैसा मांगले पे मारे लागलन साहब। अच्छा, तुम जाओ। ठीक है साहब। बोला बेटा, क्या बात हुआ? हाँ। अरे का भा, डेरा गई का? कमरा में अचानक केहू आ जाई तो केहू डेरा ना जाई का? अरे ये सब का है? वो साफ सफाई कर रहे थे, आप बाहर जाके बैठिए। अरे तोहरा खातिर हम अंदर आए और तुम बाहर भेज रही हो? आउट आउट। अरे गोरे गोरे हाथ, सफाई की खातिर थोड़े ना, ये तो प्यार की खातिर है। अंकल को बुलाएं क्या? अंकल। अमर बेटा। जी पापा। जी पापा। तुहार बहिन शीतल के फोन आइल रहल। अरे बेटा, खुशखबरी है, तू मामा बनने वाला हुआ और शीतल बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, अब गई जरूरी है, हम कल सवेरे 10 बजे वाला गाड़ी से चल जाएंगे। ठीक है? ठीक है।
अंकल चाय। अरे बिटिया तुहार पैर कितना शुभ बा, तू साक्षात लक्ष्मी हो, तुहार आते ही ये घर में खुशियां दौड़ आइल बा। क्या हुआ अंकल? अरे अमर मामा बनने वाला है। मुबारक हो अमर। थैंक यू। अरे देख बेटा अमर, हमार सामान सब पैक कर दिया, कल हमके निकले के है। ठीक है पापा। अरे रुक रुक बेटा, अरे रुक ना। प्रणाम अंकल। पाय लगता नहीं बाबूजी। अरे जियत रहा बेटवा, जियत रहा। देखा गांव के माहौल ठीक ना हो, वो पुलिस वालन के तू सब पर शक है, ये रात तक बिल्कुल मत घुमा। बेटा अमर तू सब कर ख्याल रखिया। ठीक है, हम सबका ख्याल रखब। देखा अपन सब ध्यान रखिए। ओके ठीक है अंकल। नमस्ते अंकल। थोड़ा चला इन कहां से आ गए ना, थोड़ा हटाया तो मूड खराब हो गया। चला बैठा जा, आवा दिमाग खराब हो गया। अरे बन खाए सैया हमार। पिजड़े वाली मुनिया पर पिजड़े वाली मुनिया। क्यों आवाज हुआ? ये तो भाभी आ रही है। लगा था कि अमर का ढूंढे आ रही है का। टाइम क्या हुआ है? एक बजा है। जा करके फिर वापस आई है भाई, जल्दी निकल चल जा। यार अच्छा हुआ भाभी चली गई। अच्छा हुआ भाभी चली गई। ओ यार लेकिन उसको जवाब क्या देते? अरे जबान तो हम दे दिली। चल 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 चल। अरे इंस्पेक्टर है कहाँ? बुलावा था लगता, चलो देखते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घर। चलो तुम लोगों को असली घर ले चलता हूँ, गाड़ी में बैठो। रात को नींद ठीक से आएगी नहीं? हेलो क्या बात कर रहे हैं? और एक हत्या? ठीक है हम आ रहे हैं, हवलदार गाड़ी निकालो।
वीरेंद्र जी आपका हो गया? जी हाँ। ये कौन है? रघुनाथ चाचा का तीसरा लड़का हुआ। ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि नतिया में रेखा भाभी से झगड़ा भई, उस समय आके बाहर सुत गई ना, अब पता चला कि सुबहिया खेते में लाश पड़ी है। तो रेखा जी का क्या, उसके देवर से पड़ता नहीं था? नहीं साहब, रेखा भाभी से इनका नाम पड़ा। तो किससे पड़ती थी उनकी? और अमर बाबू जी, आपके दोस्त लोग कहाँ हैं? वो सब अपने अपने घर पे होंगे। घर पे नहीं, ससुराल में। जी, ससुराल में? जी हाँ, रात को पी के बवाल कर रहे थे और उनको अरेस्ट करके ससुराल ले गए। हवलदार जी सर, लाश को उठाओ। जी सर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। हाँ मुखिया जी। हाँ, रेखा भाभी जी से कह दीजिएगा जी कि हम कुछ इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। आप आ जाइए इंस्पेक्टर सर, हम बता देंगे। अभी जाके कह दीजिएगा। ठीक है सर। एक बात बताइए रेखा जी, 15 दिन पहले आपके पति की हत्या होती है और आज आपके देवर की, और ठीक 1 महीने पहले आपके ससुर की हत्या होती है, क्या आपके परिवार वालों की किसी और लोगों से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर शक है? जी नहीं। ठीक है, और एक बात बताइए रेखा जी, आपके शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल, ठीक। इस 2 साल के दरमियान आपका कभी किसी से कोई झगड़ा? जी नहीं, हमारे सामने तो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे हाँ, झगड़े की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई, कल रात को आपका देवर जी के साथ कोई झगड़ा हुआ था ना? जी हुआ था। क्यों हुआ था? बोला बेटी, डरे के बात नहीं के बोला। जी वो हमके मनुष कहत रहे और जब हम जवाब दिए तो गुस्से से खाना छोड़कर बाहर चले गए और रात को बाहर जाकर ही सो गए और सुबह पता चला कि उनकी हत्या हो गई। ठीक है मुखिया जी, हम चलते हैं। अच्छा नमस्कार। मुखिया जी, ये लखन, बिरजू, सूरज, सुंदर, ये सब लड़के कैसे हैं? अच्छा लड़का है सर, बेरोजगार है लेकिन सर गांव भर की मदद करत है। ठीक है। अच्छा सर,
कहाँ जा रही हो? हम अपने पति को ढूंढने जा रहे हैं। इतनी रात माँ? वो कबो कबो अपने दोस्त के यहाँ जाता है, तो लौटत में देर हो जाता है। चले छोड़ दे का? नहीं हम चल जाए। चलो ड्राइवर। साला ये गांव में हो क्या रहा है? ये रहा इंस्पेक्टर साहब हमारे दोस्तन के जमानत के कागजात। खैर अमर बाबू अब इन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, सबूत मिल चुका है उनका, ये लड़के बेगुनाह हैं। हवलदार छोड़ दो इनको। चलो जाओ जाओ बाहर जाओ। देखिए अमर बाबू ये चारों शक के दायरे में। ठीक हो इंस्पेक्टर साहब अब हम चलित हैं। ठीक है अमर बाबू। क्या कहत रहा इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर कहत रहा कि कल रात तुम लोगों से कौन औरत मिले आई रही, कौन रही है औरत? अबे कोई नहीं रही, चाय लखन से पूछ ले। हाँ यार याद आवा, कल रात भाभी तो है ढूंढत रही। भाभी? कौन भाभी? अबे तेरी आइटम। हाँ यार भाभी आई रही कसम से। तुम लोग होश में तो हो? लगा था कल नशे में हमने के। बस चला। हाँ, चला। सही बात है, अक्सर पियले में गड़बड़ा जाला। लागा था कि अपने गांव के केहू के नजर लग गई बटे, एक के बाद एक हत्या हो चलत बा। आखिर ये हत्या करत के बा? पता नहीं यार, करे कोई और भरे कोई, एक बार पता चल जाए। बिना कसूर के जेले का हवा खाए के पड़ गई। चुप 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 चुप, केहू के चले का आवाज आवत है। अरे बाप रे बाप। अरे ये रेखा भाभी के घर के आगे जा रही है, रेखा भाभी तो नहीं है, फिर कौन हो सकती है? ना भाभी तो ना है। पता नहीं पीछा किया जाए। देखता हूँ कहाँ जाती है। खून दे। पता नहीं यार। अरे ये तो अचानक गायब हो गई। अबे सुंदर नहीं अबे सुंदर रे। सुंदर भैया बड़ा सुंदर का सूरज लखन सुंदर। अमर अरे खुशखबरी बा खुशखबरी। अरे शीतला दीदी के लड़की हुई बा लड़की। अरे क्या बात कर रहा है यार, मुबारक मुबारक। थैंक यू थैंक यू। अरे यार अमर ये खुशी के मौका पे तुहके ते पार्टी देवे की चाहिए। अरे बोल का चाहिए, विस्की ठर्रा बियर या रम? बस बस एक कप चाय यार। हाँ अमर लक्ष्मी के अइले के खुशी में लक्ष्मी जैसन भाभी के हाथे से हमनी के एक एक कप चाय पियल जाय। ठीक हो आज शाम के घरे आ जाया, ई बहाने पूनम से मुलाकात भी हो जाए और परिचय भी हो जाए। ठीक हो? हाँ। अच्छा अब हम चली थे। चल 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 चला चला चल भाई। का यार मांगे भी तो एक कप चाय का पार्टी। अबे चाय के पार्टी इसलिए मांगे हैं, घर जाएंगे तो पता चलेगा रात को जो निकलती है पूनम भाभी है या फिर रेखा भाभी। हाँ यार लेकिन बिरजू हमने के ओके पहचानल कैसे जाई? उत्ता घूंघट में रही ना। मतलब ये कि रात को जो चुड़ैल घूमती है
अगर पूनम भाभी होगी तो उसके पैर में हंसिया के चोट के निशान जरूर होगी, और हम लोग उसका मुंह देखने नहीं, उसका पैर देखने जा रहे हैं, समझे? हाँ। अरे दैया, तब तो हम सब जना आज ही चलेंगे। चलो। हाँ। अमर। अमर। अरे अमर। अमर। कौन? अरे ये सब का है? बस ऐसे ही। अरे तुम लोग आवे में इतना देर कर दिया, आओ बैठो। यार हम लोग तो जल्दी तैयार हो गए थे, लेकिन ये है ना सुंदर, इसको तैयार होने में बहुत समय लगता है। चलो कोनो बात नहीं। अरे यार अमर, आज घर में अंधेरा कैसा? अरे आज बिजली चली गई। अबे इसीलिए बोलता हूँ बिजली का बिल भर दिया कर। अरे भरता हूँ यार, भरता हूँ, बराबर भरता हूँ। अरे पूनम भाई जल्दी करा, देखा तुहार देवर लोग कब से बैठा है। उई माँ। क्या भाई यार? कुछ ना यार, चूहा या कॉकरोच निकला हुए, तुम लोग यहाँ बैठा आपस में बात कर रहा, हम अंदर से आओ थी। अरे यार ये औरतें भी बड़ा अजीब होते हैं, हमारे भाभी भी कॉकरोच से बहुत डरते हैं। हाँ यार। बहुत देर हो गया, अमर नहीं आया। हाँ यार चलो लोग देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। बहुत जलन हो रही है। अरे संभाल के काम करे चाहत रहा ना। अरे ये कब अमर? कुछ ना यार, चाय गिर गया। लेकिन ये पैर में का लगा रहे हो अमर? आलू पीस के लगाए, इसे छालाना पड़ी और जल्दी आराम मिली। अच्छा अमर, अब हमनी के फिर? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं भाभी, फिर कब हम लोग आएंगे? अच्छा ठीक हो, अब हम तुम लोगों के जल्दी ही खाना पे बुलाओ। खाना तो हम खाएंगे। अच्छा ठीक हो, चला चला, नमस्ते। यार बहुत बुरा हुआ, भाभी के पैर में चाय गिर गया। हाँ यार सब प्लान चौपट हो गया। आए रहे पाँव देखने, खुद ही पाँव लेके बैठ गई। पर ये चाय गिरी कैसे है? चाय गिरी है या गिराई गई है इसका पता तो आज रात में चली, अगर वो डाल डाल चली तो हम पात पात चलब। चल के अमर को बताई देते हैं। हाँ। नहीं पहले चल के चेक करल जा उनमें है या कोई और। ठीक बा, चला उतरा। चला चला। चला
प्रणाम पापा जी। अरे जियत रहा बेटा, जियत रहा। दीदी कैसी है? बेटी अच्छी भी है बेटा। और बच्ची? अरे वो तो बहुत खूबसूरत भी है, और बिल्कुल शीतल बगैल भी है। चल अच्छा बा। बेटा वो काम कर, सुंदर बिरजू के बुला लिया वो। ठीक है पापा। नामू आमते मुन्या। का बिटिया तोहरा अमर पसंद बा? हम यही खातिर पूछा तानी कि तुहार सहमति चाहिए। जियत रहा बिटिया, जियत रहा। जब लड़का लड़की तैयार बा तो हम बुढ़वन के बड़बड़ाई बेकार बा। तो हम सब तैयार है। हाँ हेलो बिरजू। हाँ और सब कैसे हैं? ठीक है ना? अरे यार तुम लोगन के तो मालूम है हमार शादी है, दीदी के घर से हमार शादी हो रही है। हाँ तुम लोगन के आवे के पड़ी। ठीक हो? अच्छा सब लोग आ जाए यार, पक्का? चला ओके। ठीक हो ओके। देखा आज शाम के हमार गांव से चार दोस्त लोग आए वाला हैं, और तुम लोगन के बहुत ध्यान रखे का पड़ी, और बराती का भी बराबर ध्यान रखे का पड़ी। अमर होया है मेरे यार। और अरे वो तीनों कहाँ हैं? अरे यार वो लोग नहीं आ रहे। काहे? एग्जाम चालू है यार, इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा ठीक हो, कोनो बात नहीं, अब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। ये है डेनिस। हेलो। ये है बिक्की। हेलो। और ये है अमरेश। अमरेश और हम हैं बिरजू। ये हमारे गांव का दोस्त, खास दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का रात को चलते है ना भाई? चलते है ना? फिर तो आज रात को होगा। क्यों होगा?
कुछ अपनो अधिकार है। दोस्त कुछ अपनो अधिकार है। घर आ जाओ सैया मोह तोहरा इंतजार है। समझ में नहीं आए कि हम किधर जाएं, एक तरफ है दोस्ती तो दूसरे तरफ में प्यार है। अगर नैनो से पिलाएं तो कहम बम चिक 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 बम चिक बम बम चिक 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 बम चिक बम बम चिक 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 बम चिक बम आज मूड बना है हम बम चिक 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 बम चिक बम आज मूड बना है हम। भोखो गवा है अबे साले तोहका तो कुछ ज्यादा हुई गवा है। अबे सुना हमार बात भोखो गवा है अबे साले तोहका तो कुछ ज्यादा हो गवा है। अंग अंग जरत है तोहरे लगा जैसे कोनो जादू देखे हम बम चिक 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 बम चिक बम ऐसे लगा जैसे कोनो जादू देखे हम बम चिक 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 बम चिक बम बम चिक 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 बम चिक बम आज मूड बना। समय जॉन अंकल पागल हो गए हैं, इसे जांचने के लिए मैं शहर भेजता हूँ, तब तक आप किसी से कुछ कहना मत। रिपोर्ट आते ही मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो मैं ये कैसेट और ये कैमरा ले जा रहा हूं। ओके ठीक हो। कुछ कहती है ये खामोशी कोई ना कोई तो है दोषी। कुछ कहती है ये खामोशी कोई ना कोई तो है दोषी। अंजाम को जाए जो अबे बिरजू उठ। कौन है बे? सुंदर डूब के मर गया तालाब में। क्या बात कर रहा है? हाँ? चल सूरज चल जल्दी चल चल चल। सुंदर सुंदर क्या हुआ? सुंदर क्या हुआ मेरे दोस्त को? सुंदर आंखें खोल। सुंदर सुंदर ये क्या हो गया? अरे बाप रे सुंदर ये क्या हो गया? सुंदर ए सुंदर ए सुंदर 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 ए ऑटो ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, हम लोग चारों साथ में बैठे थे, हम और सूरज घर चले आए और ये वहीं रह गया। और लखन कहाँ है? सर लखन सुबह 4 बजे शहर चला गया। और वो अमर कहाँ है? सर अमर तो कल से ही शहर गया हुआ है। हवलदार लाश को उठाओ और गाड़ी में डालो। चलो चलो यहाँ से जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? हाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? चलो 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 ऑटो यहाँ से। सबसे पहले चुड़ लिया के मारी, पहले तो के मारी। हाँ चलो 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 चलिए चलिए। हाँ चलिए मुखिया जी। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब।
सुंदर के बहुत याद आवा था। हमें से अगर किसी को भी पूनम भाभी मारने की कोशिश करी और जान का खतरा रही तो तुम लोग अपना ये पट्टा खोल देना। अरे टीका, ये तो सुंदर का पट्टा है। एकर मतलब कि पूनम भाभी ओ का मारी। चल चल। कौन हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। दीदी दीदी काले जा रहे मेरी दीदी को, दीदी दीदी काले जा रहे मेरी दीदी को। का बा रामू, काय रो रहा है? भैया आपके दोस्त दीदी को उठाई ले गए। कहाँ से गए? इधर से। चल साली, तेरा बहुत ड्रामा हो गया, आज तेरा ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म कर। चल। आप लोग बोल साली, मैं गुनाह को क्यों मार लिया? इसके पीछे तेरा क्या मकसद है? अरे नहीं, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। कई बार तेरा पीछा किया तू बच गई, लेकिन आज नहीं बचेगी। आज मैं तुझे मैला खिलाकर तेरी चुड़ैल विद्या खत्म कर दूंगा। अमार, अमार। बोल जल्दी बोल। अबे तेरी तो मार मार मार, तो छोड़ना नहीं और मार। मार मार मार, इस कमीने को छोड़ना मत और मार। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, और मार इसको। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। साला, चुड़ैल को पटाने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया और बाल काट के पटाया, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। मैं क्या हो रहा है ये? मैडम चलिए आप घर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, सुंदर को मारने में इसकी औरत का ही हाथ है। लेकिन वो हत्या क्यों करेगी किसी की? ठीक है, रिपोर्ट रात को आ जाएगी तब फैसला हो जाएगा। अमर तुम घर जाओ। सुन अमर, हम तेरे दोस्त या दुश्मन नहीं, अपनी औरत पर नजर रखना।
क्या बात है, अभी तक लखन आया नहीं? हाँ यार, हम वही सोच में बैठे हैं, कह रहे कि हम यहाँ आए, पता नहीं कहाँ चला गया। लखन कहाँ है? बाहर गवाह है, अभी आवा नहीं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमको भी उसी का इंतजार है, गाड़ी आगे खड़ी है, देखते हैं लखन कहाँ है। चलो अरे गाड़ी रोको लखन को क्या हो गया सर? लखन बोलना। हवलदार, इसकी तलाशी लो। लखन क्या हो गया? लखन लेकर आओ, उठाओ सर, उठाओ लाश को, उठाओ लेकर आओ। देखिए थे आज दिन भर, बाहर जाना है ना आपको? कल रात में लखन की भी हत्या हो गई,
यहीं से पूरा दिन हॉस्पिटल में रह पड़ा। चाय बनाए कहाँ? हाँ बनावा। जाना जरूरी है, बहुत परेशान लग रहे हो, आज ना जाए ना। जाए का जरूरी है, वरना हॉस्पिटल से वापस नहीं होती। तो ठीक है, हम खाना बना देते हैं, खा कर जाए। हमें भूख नहीं है, आपन और रामू के खाना बना लिए। जब आप ना होते तो हमें बहुत डर लगता है, बाबूजी भी ना है और रामू जल्दी सो जाते हैं। उन कमीने से डरे के कोनो जरूरी नहीं है। ऐसे का दिक्कत है, तुम इतनी खूबसूरत हो इसीलिए उन कमीनों की नियत खराब हो गई। देखी दरवाजा बंद करके सो जाना, ठीक है? सब कहते हैं पूनम नहीं, का करी कुछ समझ में आता। चल के देखी का। देखा, हमें पता चल गया बा कि हमारा औरत ही चुड़ैल हो। तुम लोग जा, सब गांव वाले के इकट्ठा करा, सबके लिए क्या ठीक हो, जल्दी करा।
पूनम तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या समझते थे तुमसे शादी करने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी? भैया जी वो देखा पूनम अमर के मारा थी। अरे बाप रे। ए लड़की अमर को छोड़ दे नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब गोली अमर को लग सकती है। हे भगवान ये क्या हो रहा है? जा बेटा तांत्रिक बाबा को बुला के लेकर आओ। हाँ हम जाते हैं। जल्दी जा। के क्या बात करो तांत्रिक? ये बच्चा नहीं है, इसे तेरे ही कहने पे मेरा बाल काटना था। तू जानता है तांत्रिक, अगर किसी परिंदे का पर काट दिया जाए तो वो बेबस हो जाता है, और इसने बाल काट कर मुझे मजबूर कर दिया और मैं इस बिजड़े रूपी घर में हो गई। ए बज्जू। हाँ बाबा। जा एक घर बाल लेके जल्दी आबा। हाँ बाबा चल सूरज। चल चल। ए चुड़ैल तू लगन की काहे मारे तेरू, और सुंदर लखन के भी तू ही मार ले रहू। हाँ 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 मैंने ही मारा है उन लोगों को, क्योंकि वो सब मेरा पीछा करते थे और वो मेरे घर में चाय के बहाने मेरा चाल ढाल देखने आते थे। जो चूल्हा में पैर जला सकती है उस पर चाय गिराना कौन सी बड़ी बात है? मछुआरे को तो काहे मर लो। ए तांत्रिक, एक टूरिस्ट ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया था और उसने मेरी फिल्म बना डाली थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ए चुड़ैल तू मर के छोड़ दे। बकवास बंद कर तांत्रिक, पहले मेरा बाल दे उसके बाद अमर। हम तोरा के बाल दे दे, लेकिन तू वादा कर कि तू अमर के छोड़ देगा। पहले बाल तांत्रिक, पहले बाल। बाबा ये लो बाल बाबा। बात तैयार है बाबा। हाँ बाबा ये रहल तो हर बाल, ये रहल तो हर बाल। ये ले, ये ले बाल। Let's go down.
यहाँ से बाहर निकलो, निकालो। अरे ये तो नीलम बेटिया है। नीलम तुम? हाँ बाबा, अगर मेरा बाल नहीं जलता तो मैं चुड़ैल ही रहती। चुड़ैल तू कैसे बनी? आप सबके तो मालूम है कि हमार और ललन के विवाह भइल रहे और एक साल के बाद हमरी कोक भरी। का हुआ बिटिया? गिरावे बात नहीं, डॉक्टर इन का कह रहे हैं? का गर्भ गिरवावे के बाद आप कहा थे? आप तो होबे वाले बच्ची के पिता हैं और आप ही भ्रूण हत्या के बात कहा थे? हमके बेटा चाहिए, बेटा बिटिया नहीं। हम आपके पैर परत हैं बेटवा, बिटिया तो भगवान की देन है और अगर बिटिया ही पैदा ना हो तो वंश आगे कैसे बढ़ी? मेहरारू हवे, मेहरारू बन करो, आपन मनमानी मत कर। देखी हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करे थे, हमार बात मान ला, हमार कोक मत उजारा, मत उजारा हमार कोक। आप बात काय नहीं समझते? अगर हमार कोक में बेटवा की जगह बिटिया पल रही है तो ये में भगवान के मर्जी है, और ऐसे भी तो बिटिया लक्ष्मी के रूप होते ना। हम तोहार भाषण ना सुनना चाहता नहीं, कान खोल के सुन ले, भगवान के मर्जी ना चली, हमरे माय बाप के मर्जी चली। तो के कब गिरावे के बाद, गिरावे के बाद कर हम मेरी बच्ची गिरा दी गई थी बाबा, एक साल बाद फिर से मेरी कोख भरी। अब हम तुम लोगन के ना छोड़ब, हम नारी निकेतन जाब, नारी निकेतन। नारी निकेतन, नारी निकेतन, नारी निकेतन का होला हम बताए? बच्चा के तरह गिराओ जाला हम तो के बताओ था, बताओ था। छोड़ दिया कैसे गिराओ जाला हम बताओ था, हम तो बताओ था, हम तो बताओ, हम तो बताओ था, कैसे पता गिरा? मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। अपने कोख में पल रही बच्ची की भ्रूण हत्या मैं नहीं रोक पाई बाबा, मैं नहीं रोक पाई। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भ्रूण हत्या बंद करा दी, जिस तरह की सती प्रथा बंद भई उसी तरह भ्रूण हत्या भी बंद करा दी बाबा, बंद करा दी, वरना हमार आत्मा ऐसे ही भटकती रही, कभो शांति ना मिली। हमरा के एक वचन दी बाबा कि आज के बाद इस गांव में अब कन्या भ्रूण हत्या ना होई बाबा। हम वादा करते हैं कि हम अभी समाज में भ्रूण हत्या कभो ना होके दे, कि हमार वादा बा बेटी। हम वो वचन दे थे बाबा,
आज के बाद हमार आत्मा ई गांव में ना भटकी। अलविदा, अलविदा। आंखों में है खौफ भरा, दिल धड़के है अंदर।